कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। मुंह से शुरू होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह के द्वारा खाने का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बोलस। और स्टोमक के द्वारा? काइम। याद है कब कब आहार वैली की लंबाई? 9 मीटर। ये फीट में पूछेगा तो 20 फीट। इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत, उसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 से 7 मीटर, ठीक है। और ग्रास नली की लंबाई? आपको सारे भाग लिखा दिए थे कल और अब एक एक भाग को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, जो भी शुरुआत होती है वो कहां से होगी? मुख से होगी, ठीक है। अब मुख के अंदर जैसे आपने भोजन को रखा, भोजन क्या होगा? हम चबाना चालू करेंगे उसको, ठीक है। अब चबाने में कौन यूज होता है? दांत यूज होते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो प्रोसेस होगी, तो सबसे पहला हिस्सा कौन लेता है? मुंह। फिर कौन लेते हैं? दांत लेते हैं। कौन लेते हैं? दांत, ठीक है ना। तो यहां से हमारा भोजन चबाना चालू होता है, ठीक है। जैसे कौन है? आज ही बैठे, आज नई नई शक्लें दिख रही है, ने दो ने तो आज ही बैठा है। साल हो गए, तो साल बरस के इसके कल जो पढ़ा था ना, उससे क्वेश्चन आया है इसके एग्जाम में। हाँ, खाने का अंतिम पाचन कहाँ होता है? जो चित्र बनाया था ना, उससे से क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो समझो, आप चुपचाप बैठे रहो, है ना। आप सुनो, अब देखो, दांत क्या करते हैं? दांत एक तरह से फिजिकल प्रोसेस को करते हैं। क्या करते हैं? दांत का काम क्या है? खाने को चबाना, ठीक है। तो यहाँ से दांतों से क्या करते हैं? खाने को चबाते हैं। क्या करते हैं? चबाते हैं। अब आप ये बताओ कि दांत जो बने हुए हैं, तो दांत में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उनको भी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो दांतों को बनाने के लिए कौन कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दांतों को बनाने के लिए या दांतों को मजबूती के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो कितने खनिज की आवश्यकता होती है? दो खनिज। एक किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। किसकी आवश्यकता होती है? और एक होती है आवश्यकता फास्फोरस की। किसकी आवश्यकता होती है? फास्फोरस की, ठीक है। अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पे भी बायो में कहीं पे भी आप पूरे सारे चैप्टर पढ़ लोगे, कैल्शियम का वर्ड जहां पे भी यूज होगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह मजबूती प्रदान करेगा। कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या काम है? मजबूती प्रदान करना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दांतों को मजबूती कौन से खनिज के द्वारा मिलती है, तो क्या उत्तर होगा? कैल्शियम, ठीक है। और फास्फोरस का काम होता है निर्माण करना, ठीक है। सेम अपने हड्डियों में भी पड़ा था, फास्फोरस क्या करता था? निर्माण, जबकि कैल्शियम क्या करता है? मजबूती। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दांतों को मजबूती कौन से खनिज के द्वारा मिलती है, तो कौन से खनिज के द्वारा मिलेगी? कैल्शियम। दांतों का निर्माण में कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, तो क्या उत्तर होगा? फास्फोरस। तो कैल्शियम का काम क्या हो गया बताओ? मजबूती प्रदान करना। क्या प्रदान करना? मजबूती प्रदान करना, ठीक है। जबकि फास्फोरस का काम क्या होगा? निर्माण करना। क्या काम होगा? निर्माण करना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। और मजबूती को बोलते हैं रिजिडिटी, क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। क्या लिख रहा हूँ, समझ में आया? कल ज्यादा ठंड थी इसलिए तुम आए नहीं थे, आ रहे ना, कि पानी आ रहा था? पानी तो बंद हो गया था, पानी सुबह सुबह आ रहा था 6 बजे, तो इसलिए तुमने स्वयं समझ लिया कि छुट्टी है। मतलब मैं इतने पानी में खर्चा कितना, 40 किलोमीटर पड़ता है बच्चों पर, कार थी उससे क्या होता है, तो सामने धूप तो रहती है ना, हमारे को एक्सीडेंट हो जाए तो फिर लाइट होती है, तुम तो कहिया वाला आओ से देखते हैं, तीसरा मिनट भी बैठने नहीं आओ, तुम बैठते हैं आओ, तुम कड़ी वाली खा रहे हैं, कड़ी खा रहे हो, हमारे भी पता है, तीसरे मिनट लड्डू वगैरह, हाँ ऐसे लड्डू में घी जम गया, मतलब वो गाय को देती है, वो लड्डू सही बताओ ना, तो लड्डू है ना, हाँ लाइट लेकर तो आया था, अरे लड्डू में लाया था,
पर मैं घर पे भूल गया। आपके साले साहब आ गए। हाँ उसकी शादी भी है अभी, तो इसलिए तो मैं पत्रिका दे दी है फिर 5 तारीख को दूंगा कि शादी नौ को अभी 3-4 दिन तो मेरी 7-8-9-10 4 दिन छुट्टियां मिलेगी तुम्हें आराम से। कहाँ ना पड़े सब पढ़े गाँव पढ़ना कोचिंग की नहीं मेरी रहेगी कोचिंग तो लगेगी तो पर फिर आपकी क्लास भी लगेगी। हाँ मेरी क्लास भी लगेगी क्योंकि सारे सभी मैटर रहेगा। दादू सर तो वहाँ है अभी हुबली कर्नाटक, उनको रूम भी मिला वहाँ पे, मेरे को फोन लगा रहे हुबली हुबली मेरा दोस्त है तो मैंने कहा चलो। तो टीथ में कौन कौन से खनिज की आवश्यकता होगी? कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम का काम क्या है? मजबूती प्रदान करना। और फॉस्फोरस का काम क्या है? निर्माण करना। ठीक है तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि दांतों में कौन सा नमक पाया जाता है? दांतों में कौन सा नमक पाया जाता है? तो ये जो टाटा वाटा का खाते हैं ये आंसर नहीं देंगे कि दांत काला नमक होता है, ये होता है इन दोनों को मिला के एक नमक बनेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम होगा उसका? कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि दांतों में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है तो आपका उत्तर क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनके सेम नाम है ना, तो घबराना नहीं है। ठीक है हिंदी में बस मैं लिख देता हूँ कैल्शियम फॉस्फेट। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? क्वेश्चन सारे क्लियर है? ठीक है दांतों दांतों का काम क्या है? खाने को चबाना। ठीक है ये तो क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे, बाकी पूछेगा कि दांतों को मजबूती कौन से खनिज द्वारा मिलती है? तो कैल्शियम। दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो फास्फोरस। और दांतों में कौन सा नमक पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट याद हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन। ठीक है अब क्या हो रहा है कि दांतों का जो भाग होता है, तो दांतों का जो अपर भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? ये तुमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, दांतों के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? दांतों दांतों की बात हो रही है, दांतों के ऊपरी भाग को बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। तो जो हाँ इनामेल तो जो अरे हाँ समझते ठीक है ठीक है। तो इनामेल है ना हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक है तो अगर आपकी बॉडी का जो सबसे कठोर भाग है वो कौन सा होगा? इनामेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग तो कौन सा होगा? इनामेल होगा। क्लियर है भाई? ठीक है ये लिखना है। हाँ लिखो सर। कल तो उसी के आगे से। हाँ उसी के आगे से पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन की नहीं? क्लियर है? क्लियर है तीनों? अरे दो तीन ही बातें हैं, कैल्शियम फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट, इन तीनों में फर्क पता चलना चाहिए कि एक दांतों को बनाने के लिए यूज होता है और एक दांतों के मजबूती प्रदान करने में यूज होता है। दो बातें हुई और तीसरा इसमें कौन सा नमक पाया जाता है दांतों में? कैल्शियम फास्फेट नमक पाया जाता है। ठीक है चलो ये पठान मूवी को इतना हिट कर रहे हैं उसमें कुछ तो है ही नहीं, मैं देख के आया कल बिल्कुल बेकार लगी, सबसे बेकार मूवी नहीं लगी। बहिष्कार में क्या है वहाँ? मेरा कहना अगर जैसे बहिष्कार करना ही है तो फिर उस हीरो को साइन ही क्यों कर रहे हैं? कहने का मतलब गवर्नमेंट उसकी परमिशन नहीं क्यों दे रही है? जितने भी एडवर्टाइजमेंट में यही तो बातें बताते हैं, इसमें है कैल्शियम, इसमें है ये सबसे नंबर 1 सलाह। चलो क्लियर हो गई तीनों बातें? अरे इतने धीरे धीरे मत लिखो। अब मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि दांतों का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? दांतों का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग भाग ठीक है क्या कहलाता है? इनामेल। क्या कहलाता है? इनामेल। ठीक है अब अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि यह सबसे कठोर भाग है, यह सबसे कठोर भाग है, याद रहेगा कठोर भाग, यह सबसे कठोर भाग है। क्लियर है?
यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि इसके भी फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ की आवश्यकता होगी होगी, जैसे हड्डियों में कैल्शियम है ठीक है फास्फोरस है, ऐसे दांतों में भी कैल्शियम फास्फोरस सारी चीजें हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो हमें जरूरत लगेगी। तो पूछा जाता है कि इनामेल के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसका भी हमें याद रखना है कि इनामेल के लिए आवश्यकता होती है फ्लोरीन की, किसकी आवश्यकता होती है फ्लोरीन की, ठीक है ना। अब अगर आपको इसको और मजबूत करना है, ठीक है, इसको मजबूती प्रदान करना है, अगर ये मजबूत नहीं होगा तो हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे, ठीक है, इसको मजबूती देना है तो ज्यादा से ज्यादा चाय पियो, क्या करो चाय पियो, क्योंकि इसका सबसे जो मेन सोर्स है वो तो है चाय और दूसरा है पानी पीना, ठीक है, तो चाय और पानी इनसे फ्लोरीन इसको मिलेगा, किसको मिलेगा इनामेल, तो अगर आप इसको सोर्स पूछा जाएगा तो क्या है चाय पानी, क्या है चाय पानी, इसलिए सोर्स क्या है सबसे अच्छा चाय पीना और पानी पीना, याद रहेगा, ठीक है। इनामेल के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है फ्लोरीन की आवश्यकता होती है, अगर फ्लोरीन कम होगा तो भी दिक्कत है और ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, अगर फ्लोरीन की कमी हो जाएगी तो दांत सड़ने लग जाएंगे, पर अगर चाय ज्यादा पी रहे हम और फ्लोरीन ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि ज्यादा वो काले पड़ने लग जाएंगे, उनपे जो काले काले धब्बे हो जाएंगे और उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस, क्या बोलते हैं फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस बीमारी किससे संबंधित है इनामेल से संबंधित है, किससे संबंधित है इनामेल से, याद रहेगा फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है फ्लोरीन की अधिकता की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है फ्लोरीन की अधिकता की वजह से, तो फ्लोरीन या तो कम होगा या क्या होगा ज्यादा, अगर फ्लोरीन कम हुआ तो क्या होंगे दांत सड़ेंगे, क्या होंगे दांतों में सड़न, ठीक है, और अगर फ्लोरीन ज्यादा हो गया तो क्या होगा फ्लोरोसिस बीमारी हो जाएगी, कौन सी बीमारी हो जाएगी फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस मैंने अभी आपको समझा दिया है कि क्या होता है, बीमारी का फोटो दिखाओगे तो खुद गूगल करके देखा करो घर पे, है ना, घर पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसको गूगल करो, क्या करो गूगल, गूगल सब बताता है, ठीक है, चलो याद रहेगी ये बातें, दांतों के बारे में क्या क्या यहाँ पॉइंट याद रखने आपको कि दांतों का फॉर्मेशन में कौन सा हेल्प करता है फास्फोरस, दांतों को मजबूती कौन देता है कैल्शियम, दांतों में कौन सा नमक पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, दांतों के ऊपरी भाग का नाम क्या है इनामेल, इनामेल के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए सोर्स क्या है मेन स्रोत क्या है चाय और पानी, ठीक है लिख सकते हो सोर्सेस करके चाय और पानी, फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होगा दांतों में सड़न होगी और फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होगी, ठीक है सारे पॉइंट ओके, ठीक है। अब हमारे सारे दांत एक जैसे ही क्या, अलग अलग टाइप के दांत होते हैं ना, तो हम समदंती की विषम दंती है, विषम दंती किसको बोलते हैं, विषम मतलब सम मतलब तो पता होगा तुम्हें, है ना, समदंती है कि विषम दंती बताओ, मतलब हमारे सारे दांत एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, अलग है, तो जो अलग अलग होता है उसको बोलते हैं विषम दंती, ठीक है, और जिसके सारे दांत एक जैसे वो समदंती, तो हम कौन सी श्रेणी में आएंगे विषम दंती, क्योंकि हमारे सारे दांत कैसे हैं अलग अलग है, कैसे हैं अलग अलग है ना, तो हमें क्या पढ़ना है दांतों के प्रकार भी याद होने चाहिए कि कितने प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है पढ़े उसको लिखना है, लिख लिया ठीक है, साथ के साथ लिख लिया करो वैसे दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार ठीक है, अब कितने प्रकार के दांत होते हैं बताओ, कितने प्रकार के दांत होते हैं चार प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन से होते हैं सबमिशन का टाइप हो गया, ठीक है ये दोनों साइड, हाँ तो हमारे जो दांतों के पहला प्रकार है वो होते हैं कंतक, कौन से होते हैं कंतक, इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, क्या बोलते हैं इंसीजर, कौन से दांत होते हैं इंसीजर दांत होते हैं, इंसीजर जो सामने दांत दिख रहे हैं ना आपको ये इंसीजर वाले दांत है, ठीक है, तो हमारे कौन से वाले दांत से सर पहले सबसे किसी चीज को काटना है, ठीक है, तो उस चीज को कैसे काटते हैं सबसे पहले इंसीजर वाले दांतों से, ठीक है भाई आप खाते हो तो सबसे पहले खाना कौन खाता है, कौन से वाले दांतों का यूज होता है इंसीजर का, आधी बात समझ में, कृंतक वाले दांत का, कौन से दांत का कृंतक वाले दांत का, याद रहेगा जिसका सबसे काम पहला क्या है किसी चीज की कटिंग करना, किसी चीज को काटना,
याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है? ठीक है, अभी अभी इनकी संख्या भी देखेंगे कितनी क्या संख्या होती है, पर पहले याद होना चाहिए कि कृंतक से हम सबसे पहले किसी चीज को काटते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है, मतलब लोगों की नहीं बात कर रहे, जानवर भी होते हैं मांसाहारी, तो सब में अलग अलग दांत भी तो होते हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है आगे जाके। ठीक है, प्रकार सारे याद होने चाहिए। सबसे पहला प्रकार क्या हो गया? इंसीजर। इंसीजर का काम क्या हो गया? काटना, किसी चीज को काटना। ठीक है, एक टाइप इसने भी बताया, कौन सा टाइप होता है? प्रीमोलर। कौन सा होता है? प्रीमोलर। इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। कौन से दांत होते हैं? अग्र चवर्णक। अभी अग्र चवर्णक वाले कौन से होते हैं? कौन सा वाले होंगे? मोलर। इनको बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं? चवर्णक। अब आप सोच समझ के बताओ, जिसे पूछना वही बताएगा, सारे नहीं बताएंगे। ठीक है, कि खाने को काटने के लिए कौन से दांत यूज होंगे? खाने को काटने के लिए कौन से दांत यूज होंगे, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, खाने को चबाने के लिए कौन से दांत होंगे यूज होंगे? ये अपने हार्दिक की बताएगा। हाँ बता। नाम बता, नाम। खाने को काटना है। देखो सबसे पहले, जैसे मैं अभी मान लो तेरे को जामुन ला के दे दूं, हालांकि तू जामुन काटेगा काटेगा कुछ नहीं, डायरेक्ट खाएगा, तेरे को मान लो मैं बर्फी ला के दे दूं, तो बर्फी ला के दी ना, सबसे पहले कौन से दांतों से उसको काटेगा? ये जो बीच वाला है ना, इससे मैक्सिमम सालिवा बनता है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में लार का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? कौन सी ग्रंथि करती है? सब मेंडिबुलर। तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट याद हो जाएंगे। लार ग्रंथि कितने जोड़े में पाई जाती है? तीन, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा हिस्सा है। कैसा हिस्सा? सबसे बड़ा, जबकि सबलिंगुअल सबसे छोटा हिस्सा है। और सबसे अधिक लार का निर्माण किससे होगा? सबमेंडिबुलर से होगा। किससे होगा? सबलिंग। क्लियर है तीनों बातें? ठीक है, अब मैंने अभी आपको समझाया कि इससे एंजाइम भी बनते हैं, तो इन तीनों से क्या बनेगी? लार बन जाएगी। तो लार में क्या होता है? जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो खाना टूटेगा। ये हमने कल पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। तो वो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो उसके लिए क्या होगा? सालिवा मिक्स होगा, लार मिक्स होगी। तो लार कैसे तोड़ेगी उस खाने को? लार में एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो कितने एंजाइम टोटल? दो एंजाइम। लार से कितने एंजाइम? दो एंजाइम रिलीज होते हैं। ये पॉइंट पहला याद रखना है। कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं, पहले ही लिखना हो तो लिखना। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? इसकी एंजाइम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एंजाइम। कितने एंजाइम रिलीज होते हैं? दो। ठीक है, अब मैंने आपको कहीं पे एक लिपिड वर्ड लिखाया था कि नहीं लिखाया था? लिपिड कहां लिखाया था? क्या बोलते हो? लिपिड। याद आया कुछ? नहीं आया। ठीक है, तो इससे जो एक एंजाइम रिलीज होता है उसको बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज। कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? लाइपेज। और किससे हो रहा है? लार से हो रहा है। इसका पूरा नाम हो जाएगा सेलिवरी लाइपेज। क्या नाम हो जाएगा? सेलिवरी लाइपेज। एक एंजाइम तो क्या हो गया? लाइपेज एंजाइम हो गया। तो लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो उत्तर क्या होगा? सालिवा। लार के द्वारा स्त्रावित होता है। लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होता है? लार के द्वारा एंजाइम। ठीक है, अब इसका नाम लिपिड के ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब ये जो पाचन करेगा ये किसका करेगा? फेट का करेगा। किसका करेगा? वसा का। वसा को लिपिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिपिड। और लिपिड से नाम रखते हैं लाइपेज एंजाइम। क्या रख दिया? लिपेज बोलो कि लाइपेज बोलो? लिपेज बोल दो। ठीक है, लिपेज एंजाइम। लिपिड के ऊपर लिपेज एंजाइम है, तो लिपिड का ही पाचन करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? लिपेज। तो ये किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है।
याद रहेगा। और एक और एंजाइम होता है इसमें जिसका नाम है एमिलेज, क्या नाम है ये वाई आता है एमाइलेज होता है ठीक है, इसका नाम भी सालिवा से निकलता है इसलिए क्या नाम हो गया सेलिवरी एमाइलेज, क्या नाम हो गया सेलिवरी एमाइलेज। और इसी का अन्य नाम है टाइलिन, क्या नाम है टाइलिन। तो टाइलिन एंजाइम भी किसके द्वारा स्त्रावित होता है, टाइलिन एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होता है सालिवा, लार के द्वारा स्त्रावित होता है, किसके द्वारा लार। और ये दोनों एंजाइम रिलीज होते हैं किससे लार से, एमाइलेज और लाइपेज, एमाइलेज और लाइपेज। सालिवरी भूल जाओ, इस नाम को भूल जाओ, केवल क्या है देखो सालिवरी कभी भी एग्जाम में नहीं लिखा होता है, ये लिखा होता है एमाइलेज और लाइपेज। और एमाइलेज किसका नाम है टाइलिन का। जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे नाम ठीक है इसका, जैसे कुछ भी यहाँ पे बोल रहे हैं घर पे कुछ बोलते होंगे, घर पे भी यही है माना दे रहा है क्योंकि बहुत सारे के नाम बोलते हैं, जैसे हार्दिक को यहाँ पे हार्दिक बोलते हैं, घर पे कुछ बोलते होंगे नेताजी बोलते होंगे, तो ये दो नाम हो गए। तो एमाइलेज से एक और नाम क्या हो गया टाइलिन हो गया। अब फेट, फेट क्या हो गया वसा, और ये किसका पाचन करता है टाइलिन, ये करता है कार्बोहाइड्रेट का, किसका पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। आप ये बताओ अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा कि वसा का सर्वप्रथम पाचन कहां से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, और निम्न में से किसका पाचन मुख से शुरू नहीं होता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन का नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है, किसका हो जाता है फेट का हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको याद रखना है। वसा का सर्वप्रथम पाचन कहां से शुरू होता है मुख से, कार्बोहाइड्रेट का भी कहां से हो रहा है मुख से, लेकिन प्रोटीन का नहीं होता है, याद रहेगा कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और प्रोटीन के बारे में मैंने पहले भी लिखाया था, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है केराटीन, कौन सा पाया जाता है केराटीन, याद आया कुछ ठीक है। हेमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन है ठीक है। एमाइलेज लाइपेज याद रखेंगे, ये दोनों एंजाइम का नाम याद रखिएगा ठीक है। लाइपेज किसका पाचन करता है वसा का, एमाइलेज किसका पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, निम्न में से कौन सा पाचन मुख से शुरू नहीं होता है प्रोटीन का ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं है ना, नहीं तो तुम घबरा जाओगे ठीक है ना, बाकी अपन पढ़ेंगे कल, क्लियर है। एक बार रिवाइज करोगे सारे, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, चाहिए हिंदी आगे। टीक से हमने शुरू किया, टीक का काम क्या है दांतों का काम चबाना, कैल्शियम और फास्फोरस इसके लिए जरूरी है ठीक है, तो कैल्शियम क्या करेगा मजबूती प्रदान करेगा, जबकि फास्फोरस क्या करेगा निर्माण करेगा। यहाँ से एक साल्ट, एक नमक का निर्माण होता है, जो नमक पाया जाता है दांतों में, कौन सा है कैल्शियम फास्फेट, क्लियर है फिर ठीक है। इस स्लाइड पर ने क्या पढ़ा, दांतों के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं इनामेल कहते हैं, और ये कौन सा भाग होता है सबसे कठोर भाग होता है, कैसा भाग होता है सबसे कठोर, इसके निर्माण के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है क्लोरीन की ठीक है। अगर फ्लोरीन हमारे कम हो गया तो दांतों में क्या होगी सड़न, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टूथ डिके, क्या बोलते हैं टूथ डिके। और अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा फ्लोरोसिस होगा, क्या होगा फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस क्या है दांतों में मतलब काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं एक तरह से ठीक है। दांतों के कितने प्रकार है चार, मृदक अग्रचवणक चवणक और रदनक। यहाँ से मैंने क्वेश्चन बताया मांसाहारी में कौन सा एक होता है सबसे ज्यादा रदनक होता है, अभी मैं पूछूंगा तुम्हें बैठे रहो मतलब पूछने के टाइम पे तुम्हारे काम आ जाता है। चलो रदनक वाले दांतों का क्या काम होता है चीरना, चबाना को इनका चबाना, इनका तो नाम से रिलेशन समझ में आ जाएगा, और कृंतक वाले का काटना। तो टोटल चार प्रकार के दांत हुए रदनक कृंतक रदनक चबाना और अग्रचवणक, जिसमें ये जो चबाना है इसको क्या बोला जाता है बुद्धि वाले दांत ठीक है। चलो एकदम फॉर्मूला याद रखना है 2123 2123 ICPM ICPM, इससे आप सारे कॉन्सेप्ट निकालोगे। और बच्चों में 2102 सेम ICPM, यहां से आप दोनों की बातें क्लियर कर लोगे ठीक है, संख्या क्या सब वहां पे निकाल सकते हो एग्जाम में, इतना समय मिलता है ऐसे। अब लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि एक तरह से ये खुद नहीं है, इसमें अपने आप में कितनी ग्रंथियां हैं तीन, और तीनों से मिलकर ये बनती है, तो कितनी हो गई तीन, पेरोटिड सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, पेरोटिड सबमेंडिबुलर सबलिंगुअल ठीक है।
अब इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पेरोटिड। और सबसे छोटा? लेकिन सबसे अधिक निर्माण कहाँ से होता है? सब मेंडिबुलर से। किससे होता है? सब मेंडिबुलर से। और लार ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है? जो किसका निर्माण करेगी? एंजाइम का। और इससे लार से कितने एंजाइम निकलते हैं? दो, एक तो टाइलिन और लाइपेज। एमाइलेज लाइपेज याद रखो, और एमाइलेज का अन्य नाम क्या है? टाइलिन। तो एमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, किसका करता है? और जो लाइपेज है वो किसका करता है? वसा का। लेकिन यहाँ पे मुख में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, अब एक होमवर्क लिखो, क्वेश्चन लिखो और उसका तुम्हें सर्च करके लाना है, कहीं से भी लाओ तुम्हें, मेरे को आंसर चाहिए। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। बोलो, पेरोस्टिलिस मोशन, पेरोस्टिलिस, पेरोस्टिलिस मोशन, पेरोस्टिलिस मोशन, ठीक है, किससे संबंधित है? हिंदी वाले के लिए बोलो क्या अलग से? नहीं, इंग्लिश है। पेरोस्टिलिस मोशन किससे संबंधित है? ये भी इंग्लिश। अरे मेन किससे संबंधित है ये तो सभी को समझ में आता है, मेन पेरोस्टिलिस क्या है वो समझ में आता है। हिंदी में लिखो, क्रमानुचन, क्रमानु, क्रमानुचन, क्रमानु, क्रमानु कुचन, ये क्वेश्चन है एग्जाम का, क्रमानु कुचन गति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको अगर जीवन में पहली बार पढ़ेगा तो सपने में भी बता सकता है ये क्या है, क्रमानुकूचन गति किससे संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? पेरोस्टिलिस मोशन रिलेटेड विथ, ठीक है, ऐसे एग्जाम में लिखा होता है। फिर चार ऑप्शन आता है, फिर देखा अग्नाशय आमाशय, ठीक है, दांत, सारे ठीक है, ये अपन कल समझेंगे कि क्रमानुचन गति क्या होती है। एक और क्वेश्चन बोले क्या? नहीं बस एक ही बोलते। अरे एक और तो तुम्हें याद है कि लार होती है, ऐसे आता है, लार होती है अम्लशारी, सॉरी अल्पशारी, अल्प अम्ली, बहुशारी, बहु अम्ली, ऐसे अल्प अम्ली, अल्प अम्ली, और लार का पीएच मान भी पूछ जाता है। ठीक है, तो अपन कर पाएंगे। लाओ हम निकाल लो अपना लुसेंट, कल से पहले वो पूछूंगा ना, फिर पढ़ाऊंगा, कल से पहले पूछूंगा, फिर पढ़ाऊंगा। अभी 7 मिनट बाकी, 6 मिनट बाकी, चलो। अच्छा, पहला पेज मैंने तुम्हें समझा भी दिया था और लिखा भी दिया था, अब तो उसको तो याद कर लोगे ना। ठीक है, सोनक शाखा किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। मनुष्यों के अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में? ठीक है, बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में? यजुर्वेद में। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अतन्य शब्द का वर्णन किस वेद में? ऋग्वेद में कितने मंडल है? गायत्री मंत्र किस ऋग्वेद के कौन से मंडल? तीसरे मंडल में, मतलब सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे पूछ लेते, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद पूछ लो, ये वाले और पुराण। पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है, कितने पुराण है? 18 पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण? सबसे प्राचीनतम पुराण
मत्स्य पुराण देख के बोला देना। चलो अगला बताओ, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म सूत्र लिखाने पड़ेंगे तो सारे। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? सर बताओ ना ऑप्शन। एतरे एतरे शतपथ पंचमी। ये बताओ आप सबसे नवीन वेद अथर्ववेद। ठीक है। वेदांगों की संख्या छह। ठीक है। किसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है? अरे ऑप्शन में ऐसे देता हूँ वैसे तुम बता नहीं सकते हो। अरे तुम्हें यार वाले कुछ बता सर। कल कल से नाम है कथा वस्तु। हाँ कथा वस्तु। कथा वस्तु बौद्ध धर्म के किस शाखा का प्रमुख ग्रंथ है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया वापस बोलो। कथा वस्तु बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रमुख ग्रंथ है? माया जी हीन जी। पैगंबर तो इसमें थे ही नहीं सर। वो तो श्वेतांबर ने माया माया जी हीन जी दोनों में से ना माया। हाँ माया हीन जी हीन। अभी एक नहीं है तो एक ये बताओ अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और इसके अनुवादक कौन थे? श्याम शास्त्री। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि। ठीक है। किस साहित्य में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया? अष्टाध्याय। ठीक है। बाकी लेखक तो कल पूछेंगे। ठीक है। ये बताओ किस साहित्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है? किस साहित्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है? नहीं पढ़ा तो सर एक पेज भी नहीं पढ़ा तुमने। अच्छा वही पढ़ा आगे लिखाते ही है ना। चलो लिखो फिर एडिट डाल। ठीक है। अब अपने को ये चार तो अपने को मेन याद होनी चाहिए। कौन कौन से कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, यजुर्वेद का कौन सा था, सामवेद का कौन सा है और अथर्ववेद का कौन सा है। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा है बताओ? ऋग्वेद का कौन सा है? और यजुर्वेद का कौन सा है? यजुर्वेद का कौन सा है? तेतरे। कौन सा है? तेतरे। अब इनमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है। आप बताओ ए पहले आता है कि त पहले आता है? ए। ठीक है। ए साउंड में भी ए पहले आ रहा है ना तो एतरे ऋग्वेद का होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद भी सबसे पहला है और ए भी सबसे पहला। तो एतरे और तेतरे में कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वेद का कौन सा आएगा? एतरे। और यजुर्वेद का कौन सा आएगा? याद हो जाएगा कोई दिक्कत। अब इनके साथ में एक एक नाम और दिए हुए। एतरे के साथ में क्या दे दिया? कोशित की दे दिया। और तेतरे के साथ में क्या दिया हुआ है? शतपथ दिया हुआ है। तो आप बताओ जैसे अभी हम बार बार पॉइंट पढ़ रहे हैं कि ऋग्वेद के बाद जो प्राचीन वैदिक साहित्य है उसमें किसका वर्णन है? शतपथ ब्राह्मण का। तो एक्चुअल में क्या है कि जो यजुर्वेद है इसके दो पक्ष है, कृष्ण पक्ष ने शुक्ल पक्ष। ये मैंने कल भी पढ़ाया था। तो इसमें जो पक्ष पहला है उसी एक पक्ष का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है, इसीलिए उसको पहले माना गया। उसके बाद में फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद माना गया। ठीक है। एतरे किसका आएगा? ऋग्वेद का। और यजुर्वेद का क्या आएगा? तेतरे का आएगा। अब कौन से बचे हैं? सामवेद और
अथर्व तो सामवेद का क्या है पंचमीश, क्या है पंचमीश, ठीक है। तो ये सांप याद रख लेना, सांप सांप तो याद रखोगी ना, सांप ठीक है, और अथर्वेद का गोपद। इन चार में किसी को कोई दिक्कत? ऋग्वेद का याद कर लोगे चारों? ऋग्वेद का एतरे, यजुर्वेद का एतरे, सामवेद का पंचमीश और अथर्ववेद का गोपद। क्लियर है? ठीक है। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ है क्या एक्चुअल में? तो जो भी वेद थे, जिनको वेद समझ में नहीं आए, उनको वेद समझाने के लिए क्या करा, इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कर दी, ठीक है, जिनसे वो वेदों को समझ पाए, ठीक है।